नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट वर्ड क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंटोटिक नोटेशंस। और पिछले वीडियो में हमने सारी एजेंटोटिक नोटेशंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। बिग ओ नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन एंड थीटा नोटेशन, इन सारे नोटेशंस का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में कवर कर लिया है। आपको इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजेंटोटिक नोटेशंस की प्रॉपर्टी के बारे में। हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे और उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी, अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंटोटिक नोटेशन। हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे एजेंटोटिक नोटेशन के बारे में और उन्हें एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो अपनी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, अगर एफ ऑफ एन इक्वल होगा बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन के, सो ए क्रॉस एफ ऑफ एन is also equal to big O of G of N. So A here represent any constant. So इस particular condition को समझने के लिए एक example लेते हैं। जैसे मेरा एक function है f of n, उसकी value है 2n square plus 3. So अब इसके कैसे represent करूँगा? It is equal to big O of n square. So अगर मैं constant ले लूँ, a की value 7 ले लूँ, so a cross f of n क्या हो जाएगा मेरा? Hello, multiply 7 multiply by 2n square plus 3. It will give me 14n square plus 7 to the 14, 7 to the 21. So, ये क्या आ गया? A cross f of n. So, अब इसकी हम asymptotic notation लिखते हैं. So, क्या होगा? It is equal to order of n square. Or you can say big O of n square. So, you can clearly see that हमें clearly visible है कि ये दोनों terms same है. So, hence, क्या कंक्लूजन निकला? इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, देन ए क्रॉस एफ ऑफ एन इज ऑल्सो इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। सो दोस्तों, ये चीज, ये पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज वैलिड फॉर थीटा ऑफ जी ऑफ एन ऑल्सो, थीटा ऑफ जी ऑफ एन। सो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल रखिए, पुट कर सकते हो, इसी कंडीशन में आपको हमेशा यही रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सो देखो, सो आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एनी टू फंक्शंस, फॉर एनी टू फंक्शंस एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, वी हैव एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन if and only if f of n is equal to omega of g of n and f of n is equal to big O of g of n. So दोस्तों, ये condition बहुत ज्यादा simple है। अगर आपको theta notation के बारे में पता होगा, so ये condition तो आप अपने आप बता सकते हो और अपने आप predict कर सकते हो। So इस condition को भी समझने के लिए एक example लेते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, वही कंडीशन लेते हैं। एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3। अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो अगर ये दो कंडीशन सेम है, मैं इस पर्टिकुलर चीज को इन चीजों से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बेसिकली एन स्क्वायर क्या है यहाँ पे? एन स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मेरा जी ऑफ एन को, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग जी ऑफ एन। सो अगर मैं इसे ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो एफ ऑफ एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा ऑफ एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसे एन क्यूब लिख दू, जैसे बिग ऑफ एन क्यूब लिख दो, यहाँ पे ओमेगा ऑफ एन लिख दो, सो ये कंडीशन ड्रॉप हो जाएगी। आई कांट रिप्रेजेंट इट एज एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। सो इस प्रॉपर्टी का तो मतलब ही नहीं हुआ। ये प्रॉपर्टी तभी ट्रू होल्ड होगी जब एफ ऑफ एन किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, और एफ ऑफ एन इक्वल हो जाएगा बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, मतलब जी ऑफ एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इनिशियली वैल्यू थी एन स्क्वायर एन स्क्वायर, सो एक पर्टिकुलर कंडीशन तब बिल्कुल करेक्ट थी। सो आगे आपको पॉइंट समझ में, इफ एनी टू फंक्शन एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, वी हैव एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ दीज टू कंडीशन आर ट्रू। सो दोस्तों, एक काम करते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो देखो, सो लुक एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। चलो ये कंडीशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इफ एफ ऑफ एन इज गिवन, देन एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन।
अब इसका मतलब क्या है, इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर एफ ऑफ एन है मेरा 2n स्क्वायर, सो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर से। सो अब हमारा इसका मतलब क्या है, जैसे एफ ऑफ एन है सो इट इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन लिखते थे ना कंडीशन। सो अब की बार ये क्या कंडीशन है, यहाँ पे जी ऑफ एन के बदले एफ ऑफ एन ही है। सो एफ ऑफ एन क्या वैल्यू है मेरी, 2n स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर के इक्वल ही हो जाएगी ये पर्टिकुलर कंडीशन। सो आगे आपको पॉइंट समझ में, रिफ्लेक्सिव मींस खुद से, एक तरीके से ए इक्वल टू ए, यू कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव, लाइक टू लाइक। सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एज वेल एज फॉर बिगो नोटेशन। सो इन तीनों नोटेशन के लिए यह पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड होती है। सो आगे आपको समझ में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के बारे में। सो अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जो है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो देखो, सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी दोस्तों, बहुत आसान है, अगर आपने मैथ्स में भी पढ़ी होगी ये प्रॉपर्टी। इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ एच ऑफ एन, सो ये क्या होगा मेरा, सो एफ ऑफ एन विल बी इक्वल टू बिगो ऑफ एच ऑफ एन। सो ये बहुत आसान कंडीशन है। जैसे एक लड़का है ए का भाई बी है, मीन्स ए बी का भाई है, सो बी सी का भाई है, सो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी का भी भाई है। सो दिस इज माई ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आगे आपको समझ में, अब हम इसका कनेक्शन देखते हैं। अगर एफ ऑफ एन बिगो ऑफ जी ऑफ एन के इक्वल है, जी ऑफ एन बिगो ऑफ एच ऑफ एन के इक्वल है, सो एफ ऑफ एन भी इक्वल होगा बिगो ऑफ एच ऑफ एन के। सो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एफ ऑफ एन की वैल्यू है 2n, जी ऑफ एन की वैल्यू है 2n स्क्वायर और एच ऑफ एन की वैल्यू है 2n क्यूब। सो इन्हें बिगो नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज बिगो ऑफ एन, सो इट इज बिगो ऑफ एन स्क्वायर, सो इट इज बिगो ऑफ एन क्यूब। अब कनेक्शन देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ एन क्यूब लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आप कंडीशन से एग्री करते हो ना, यस वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, एफ ऑफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ एच ऑफ एन, लेकिन ये दो कंडीशन उसके लिए पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो बेसिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज वैलिड फॉर ऑल फाइव नोटेशन, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सारे नोटेशन के लिए वैलिड है, बिगो नोटेशन, स्मॉल नोटेशन, थीटा नोटेशन, स्मॉल ओमेगा, बिग ओमेगा नोटेशन, सब के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है। सो अगली प्रॉपर्टी आती है मेरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो देखो, सो ये मेरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर थीटा नोटेशन। सो क्या होती है, अगर एफ ऑफ एन इक्वल होगा थीटा ऑफ जी ऑफ एन के, सो मैं क्या कह सकता हूँ, जी ऑफ एन को भी इक्वल होगा थीटा ऑफ एफ ऑफ एन के इक्वल। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एफ ऑफ एन की वैल्यू है एन स्क्वायर और जी ऑफ एन की वैल्यू भी क्या है, एन स्क्वायर है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर और जी ऑफ एन को क्या बोल सकता हूँ, जी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। सो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे और ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो जाएगी ट्रू, सेटिस्फाई हो जाएगी ये पर्टिकुलर कंडीशन। सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड फॉर थीटा नोटेशन। सो अब हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हमारी जो है ट्रांसपोज सिमेट्रिक। सो देखो, सो अब अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी ट्रांसपोज सिमेट्रिक। इफ एफ ऑफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन, देन जी ऑफ एन इज इक्वल टू बिगो ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। सो ये पॉइंट याद रखो, या फिर मैं स्मॉल ओ की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इफ एफ ऑफ एन इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ जी ऑफ एन, देन जी ऑफ एन इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन बहुत ज्यादा आसान है, इसे समझने के लिए हम फंक्शन लेते हैं। एफ ऑफ एन की वैल्यू लेता हूँ मैं एन, और जी एन की वैल्यू लेते हैं हम एन स्क्वायर। सो मैं क्या कह सकता हूँ, जो एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन, जी एन क्या है मेरा, एन स्क्वायर। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज इक्वल टू बिगो ऑफ एन स्क्वायर, और जी ऑफ एन क्या हो जाएगा, देन जी ऑफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या है मेरा यहाँ, सो इसे कह सकता हूँ बिग ओमेगा ऑफ एन। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन आई आपको समझ में, ये वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई होगी, आप कंपेयर करके देख सकते हो। सो अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सो अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सो अगली प्रॉपर्टी देखने से पहले मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। जैसे एफ ऑफ एन की वैल्यू है एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, और मेरी जी ऑफ एन इसकी वैल्यू क्या है, जी ऑफ एन की वैल्यू है मेरी, या काम करो सीधा से एन क्यूब रखो या टू एन क्यूब रख दो और यहाँ रख देते हैं टू एन स्क्वायर डी ऑफ एन। सो अब मैं मुझे क्या करना है, एफ ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन निकालना है। सो मैं क्या किससे निकाल लूंगा, इसे आसान है कंडीशन, दोनों को प्लस कर दो तो 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाएगी हमारी, इजंट इट, यही आएगी ना, आप इसे प्लस करो। सो क्या हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर। अब एक काम करते हैं दोस्तों, हम इसे कॉम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे क्या लिख सकता हूँ, बिगो या फिर ऑर्डर ऑफ n क्यूब,
और इसे लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अच्छा मैंने प्लस किया सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसे मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म क्या है यहाँ पे एन क्यूब, ये वाली टर्म है ना डोमिनेटिंग टर्म फॉर सफिशियंटली लार्ज वैल्यू, जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम बढ़ जाएगी सो एन क्यूब क्या होगा डोमिनेटिंग टर्म होगा, सो इसे मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ एन क्यूब या फिर बिग ऑफ एन क्यूब। अब मैंने इसे डिटरमाइन कैसे किया, इनमें से मैंने मैक्सिमम टर्म देखी है, सो इसी के तहत मेरी एक अगली प्रॉपर्टी है, मीन्स अगर एफ ऑफ एन इक्वल हो जाएगा बिग ऑफ जी ऑफ एन के एंड डी ऑफ एन इक्वल टू बिग ऑफ ई ऑफ एन, सो मुझे क्या निकालना है आपकी बार एफ ऑफ एन प्लस बी ऑफ एन निकालना है, सो मैं कैसे निकालूंगा, आई विल से दैट इट इज इक्वल टू बिग ऑफ मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ एन, मैक्सिमम ऑफ बिग ऑफ जी ऑफ एन कॉमा, एक काम करते हैं इसे दोबारा से लिख लेते हैं, सो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इट इज मैक्सिमम ऑफ बिग ऑफ जी ऑफ एन कॉमा बिग ऑफ ई ऑफ एन। सो आगे आपको पॉइंट समझ में, कितना आसान लॉजिक है ना, सो एक काम करते हैं थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करते हैं, एक और प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। सो अब क्या किया हमने यहाँ पे प्लस किया, सो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी कंडीशन में लिख दिया, जैसे कि मुझे वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एन क्रॉस डी ऑफ एन, मुझे मल्टीप्लाई करनी है सब टर्म्स, सो करते हैं मल्टीप्लाई, टू एन क्यूब मल्टीप्लाई बाय टू एन स्क्वायर, सो क्या रिजल्ट आएगा 2n^5। सो अब की बार क्या हुआ, ये दोनों पावर एड ऑन होगी, मतलब कंडीशन मल्टीप्लाई होगी, सो ये क्या हुआ, इसमें इसकी ऑर्डर क्या आएगा, इसकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या आएगी, आई कैन से दैट इट इज इक्वल टू बिग ऑफ n^5। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान है। अब आप देखो एफ ऑफ एन क्रॉस डी ऑफ एन, ये पर्टिकुलर कंडीशन कैसे लिखूंगा, आई विल सिंपली से दैट इट इज इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ एन क्रॉस ई ऑफ एन। सो आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी ना, सो हमने ये वाली पर्टिकुलर चीज भी मल्टीप्लाई कर दी, सो आप ये दोनों प्रॉपर्टी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, सो आगे आपको प्रॉपर्टी समझ में। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन, मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।